जानते हैं भारत में दीपावली मनाने के प्रमुख कारणों के बारे में। नमस्कार, मैं हूं नीरजा चौधरी। पहला कारण ये है कि भगवान राम ने 14 वर्षों का वनवास किया था। वनवास के अंतिम वर्ष में रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था, जिसके बाद राम और रावण के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में भगवान राम ने रावण और उसकी सेना का सर्वनाश करके माता सीता को छुड़ाया और उसके बाद वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे। श्री राम के अयोध्या लौटने के चलते पूरे राज्य में दीप जलाए गए और इसे धूमधाम से मनाया गया। तभी से इस त्योहार को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। दूसरा कारण ये है, श्री कृष्ण से संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। उसका वध करने के लिए उन्होंने सत्यभामा की सहायता भी ली थी, क्योंकि नरकासुर को वरदान मिला था कि उसे केवल स्त्री ही मार सकती थी। नरकासुर का वध हो जाने पर प्रजा ने नरकासुर के संताप से मुक्ति पाई और पूरे राज्य को दीपों से सजाया था, और इसी के चलते प्रतिवर्ष दिवाली मनाए जाने का भी तथ्य मिलता है। तीसरा कारण है महाभारत से जुड़ा हुआ। ऐसा भी माना जाता है कि पांडवों के वनवास खत्म करने के बाद जब वे वापस राज्य में आए तो पूरी प्रजा ने उनका स्वागत दीप जलाकर किया था। तभी से इस दिन को दीपावली के रूप में मनाया जाता है। दीपावली का त्योहार का तथ्य माँ लक्ष्मी से भी जुड़ा हुआ है। दिवाली के त्योहार मनाए जाने के पीछे यह तथ्य है कि इस दिन भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को राजा बलि के चंगुल से मुक्ति दिलाई थी। उसके बाद से ही इस त्योहार को मनाया जाने लगा है। अलग अलग धर्मों में, जैसे जैन, सिख, अन्य धर्मों में इस त्योहार को मनाए जाने के अन्य अनेक अनेक कारण हैं। यह प्रमुख कारण जो कि दिवाली मनाए जाने के पीछे तथ्य स्वरूप समाहित है। तो दीपोत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ दिवाली आप सभी के लिए शुभ हो।